हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास नाइन्थ। रिप्रेजेंट 1.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो हाउ टू सॉल्व इट क्वेश्चन, लुक एट केयरफुली ऑन द बोर्ड। देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.3 बार। क्लियर, बिगिन राइट इट एक्स इज इक्वल टू 1. जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है वही क्या होगा, रिपीट होता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आई होप क्लियर। अब देखिए बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, 1। लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन दी बोथ साइड। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। सो दिस विल बी 10x इज इक्वल टू 1.333 इंटू 10। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13.33 डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 10x हो गया। तो 10x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 0.33 लिखा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 1.33 लिखा हुआ है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.33। यानी अगर हम इसमें से 1 कैरी कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 बचेगा और ये हो जाएगा 1.333। ओके, सो 10x इज इक्वल टू 12 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10x प्लस का इस साइड होगा, माइनस हो जाएगा, इस साइड कितना लिखा हुआ था, 12। तो 9x इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, 3 जा 9, 3 4 जा, सो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन। और ये देखिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।